कराची टेकिंग यू देयर। एक क्लाइंट से अपनी जगह पे और दूसरा ये है कि आई एम एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। मैंने कोशिश यही की ये बताने की कि किस तरह इन द लास्ट टू मंथ्स थ्री मंथ्स जिस तरह यहाँ हालात ख़राब हुए और होते चले गए तो उसके लिए क्या तदारुक हो सकता है। और मेरा सजेशन कोर्ट में भी यही था और यहाँ भी यही है और मैंने इसमें हवाले पेश किए इंडियन सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं मुतअद्दिद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज फेल हो जाएं या न्यूट्रल ना रहें तो उनको डीपोलिटिसाइज करने की ज़रूरत है, उनको न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है और उसके लिए सूबे के चीफ जस्टिस या कोई नॉमिनेटेड जज, कोई मॉनिटरिंग सेल हो ताकि ये जो भी पहले हुआ उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो आगे खुदा ना खास्ता ये दोबारा चीज़ रिपीट ना हो। मैंने यही सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अक्रॉस द बोर्ड विदाउट फियर एंड फीवर फेयर तमाम अकाउंटेबिलिटी हो और चाहे मेरा क्लाइंट हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी हो, क्योंकि जो मुझे मेरे क्लाइंट्स ने मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट ने बताया है वो यही बताया है कि इनके यहाँ क्रिमिनल एलिमेंट्स की क्रिमिनलिटी की ज़ीरो टॉलरेंस है। तो ज़ीरो टॉलरेंस में यही है कि अगर कोई भी आदमी किसी के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस है तो इन्वेस्टिगेशन फेयर की जाए और उसका ट्रायल हो फेयर, अगर वो मुजरिम साबित होता है तो कन्विक्ट हो और अगर वो मुजरिम साबित नहीं होता तो एक्विटल हो जाए। और बहुत से सजेशंस दिए, बहुत सी पिकेट्स लगाने की ज़रूरत है, यानी कटी पहाड़ी में पिकेट्स लगाने की ज़रूरत है, कस्बा कॉलोनी में पिकेट्स लगाने की ज़रूरत है रेंजर्स की, और बहुत सी ऐसी सजेशंस हैं यानी जैसे कटी पहाड़ी में एक गेट होना चाहिए, दीवार होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को सजेस्ट की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जो बार बार कही वो ये कही कि एग्जीक्यूटिव विल नज़र नहीं आ रही इन्वेस्टिगेट करने की, एग्जीक्यूटिव विल नज़र नहीं आ रही पनिश करने की। मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इट इज़ अ साई ऑफ रिलीफ कि आप आए और आपने ये कार्रवाई की और आपकी कार्रवाई से बहुत से हालात बेहतर हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पानी जो है नीचे से ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे आता है। मैंने कहा आपने मेरा पॉइंट साबित कर दिया कि ऊपर इन्वेस्टिगेटर जो है अगर कोई हाई कोर्ट का जज होता है वो बेशक इन्वेस्टिगेशन खुद नहीं करेगा लेकिन उसको मॉनिटर करेगा और उस मॉनिटरिंग में हम ये नहीं है कि एक दिन में पूरी यूटोपिया बना देंगे लेकिन इम्प्रूवमेंट है। बहुत से रेफरेंसेस पे जब सुप्रीम कोर्ट ने इंग्लैंड के रेफरेंस में कहा कि क्या ये चीज़ यहाँ एप्लीकेबल हो सकती है, मैंने कहा जी इंग्लैंड के हवाले तो शायद ना हो लेकिन इंडिया के हो सकते हैं। इंडिया में एक जज साहब ने कहा कि इंडिया में तो इंस्टीट्यूशंस बकाया हैं, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं बकाया। तो मैंने उस पर कहा कि सर यही हमारा मुल्क है, वी हैव टू टेक सम स्टेप्स, हमारे पास जो चीज़ें जो ऑप्शंस हैं उन्हीं पर तो बात होगी, हमारे पास जो ऑप्शंस नहीं है हम क्या करें उसका, लेकिन जो हमारे पास ऑप्शंस हैं और हमारे पास ऑप्शन यही है कि यही आज़ाद अदलिया जो है जिसके पीछे आवाम है वही डिलीवर करेगी। मैंने हवाला दिया, मैंने कहा सर आपने इतने सुओ मोटो एक्शंस लिए, सुओ मोटो केसेस लिए, फॉर एग्जांपल हज स्कैंडल का किया, वहाँ इम्प्रूवमेंट है हज मिनिस्ट्रीज में और बहुत सी जगह इम्प्रूवमेंट्स हैं, करप्शन की के लिए जो सुओ मोटो नोटिसेस लिए हैं, अक्रॉस द बोर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के होने से जो बिल्कुल करप्ट अनासर हैं वो डरते हैं। तो अगर इस किस्म का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से ट्रिकल इफेक्ट आए तो उसका ये अक्रॉस द बोर्ड एक इफेक्ट आएगा। और विदाउट फियर और फेवर, मैंने एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा ये कहा कि हमें किसी से कोई फेवर नहीं चाहिए बल्कि हमारी जो मेरा जो क्लाइंट है